अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। ओपन योर बुक चैप्टर 1, द वर्ल्ड इन अ वॉल, पेज नंबर 2 एंड 3। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था इसके टाइटल के बारे में और इंट्रोडक्शन ऑफ बुक एंड राइटर हमने इस पर डिस्कस किया था और आपको बताया था मैंने कि गार्डन वॉल है, एक दीवार है जो बहुत पुरानी दीवार थी, उसमें काफ़ी क्रैक्स, जैसे आप इसमें देख रहे हैं काफ़ी क्रैक्स, दरारें मौजूद थी जहाँ मुख्तलिफ किस्म के जानवर रहते थे, बहुत सी मखलूक थी जिसमें आपने यहाँ पर सब पढ़ा था, क्रेन फ्लाई, सी मॉथ और भी दूसरी किस्म के स्पाइडर्स और फ्लाइज, कैटरपिलर्स, लिजर्ड वहाँ मौजूद थे और वो एक दूसरे का शिकार करते थे। वहाँ पर राइटर का यानी फेवरेट एनिमल स्कॉर्पियन मौजूद था, ब्लैक स्कॉर्पियन। ठीक है, अब टुडे वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 3। हम स्टार्ट करते हैं, दे वर वेयर्ड लुकिंग थिंग विद देयर फ्लैटेंड ओवल बॉडीज, their neat crop legs, the enormous crab like claws, bulbous and neatly joined as armor। वो अजीब और गरीब आने वाली चीज़, यानी varied looking thing, अजीब दिखने वाली चीज़ या आने वाली चीज़, चिपटी हुई बेजवी जिसम यानी ओवल बॉडीज, बेजवे जिसम और साफ मुड़ी हुई टांगे, क्रॉप लेग्स यानी मुड़ी हुई टांगे और उसके केकड़े नुमा बच्चे, बल्बस फूले हुए और साफ, नीटली साफ, पत्थर की तरह जुड़े हुए थे, आर्मर यानी पत्थर की तरह जॉइंटेड एस आर्मर, पत्थर की तरह जुड़े हुए थे, आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा होगा। एंड द टेल लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ ब्राउन बीड्स एंडेड इन अ स्टिंग लाइक अ रोज थॉर्न, और उनकी तो मोती की लड़ी की तरह थी, डंक पर ख़त्म हो रही थी जैसे गुलाब के कांटे की तरह। स्टिंग मीन्स डंक पर, रोज थॉर्न गुलाब के कांटे की तरह। The scorpion would lie there quietly as you examine him, only raising his tail as a warning sign if you breathe too hard on him। वहाँ एक बिच्छू खामोशी से रहता था, स्कॉर्पियन लाए खामोशी से रहता था, जैसा कि मुआयना आप कर सकते हैं वहाँ पर, वहाँ, और वो अपनी दुम को उठाता था जब उसको किसी खतरे की अलामत की तरह, और अगर कोई जैसे उसको ज़ोर से आवाज़ आए, वहाँ कोई झांके आवाज़ आए तो फिर वो अपनी दुम को उठाता था। क्यों? वार्निंग साइन, वार्निंग साइन मीन्स खतरे की अलामत, एग्जामिन मीन्स मुआयना, वो इसलिए क्योंकि बिच्छू के डंग में जो उसकी दुम होती है उसके उसमें जहर होता है, वो उसको उसके मार शिकार करने में या कोई अटैक कर रहा हो उसमें वो उनको दुम मारता है। देन फिर वन डे, एक दिन, आई फाउंड अ फैट फीमेल स्कॉर्पियन इन द वॉल, मुझे यानी राइटर को, यहाँ पर आई का मतलब राइटर है, राइटर अपने ही बारे में बयान कर रहे हैं कि मुझे एक मादा बिच्छू फैट फीमेल स्कॉर्पियन यानी एक मोटी मादा बिच्छू जो है दीवार में मिली, वेयरिंग वॉट एट फर्स्ट ग्लैंस अपीयर टू बी अ पेल फॉन फर कोट, वो ऐसी नज़र आ रही थी जैसे खाकी रंग के कोट पहनी हुई हो उसके ऊपर, यानी उसकी स्किन इस टाइप की थी। क्लोजर इंस्पेक्शन प्रूव दैट दिस स्ट्रेंज गारमेंट वॉज मेड अप
of a mass of tiny babies cling to the mother's back. उसको नज़दीक से मुआयना किया जाए, इंस्पेक्शन यानी मुआयना किया जाए, प्रूव यानी साबित होना. तो ये साबित होगा कि अजीब नज़र आने वाली चीज़ बनाई हुई छोटे बच्चों के हुजूम से जो चिमटे हुए थे अपनी माँ के ऊपर, जैसे कमर के ऊपर चिपके हुए थे. जैसे आपको नज़र आ रहा है कि अगर हमने मुआयना किया तो देखा कि उसके बच्चे जो हैं उसकी कमर पर चिपके हुए हैं. I was enraptured by this family and I made up my mind to smuggle them into the house and up to my bedroom. उसे वो फैमिली से निहायत खुश हुआ. उस फैमिली से, कौन सी फैमिली से? स्कॉर्पियन की फैमिली से निहायत खुश हुआ. और वो अपने, उसने अपना जहन तैयार कर लिया है कि उनको वो कैद कर लेगा, स्मगल यानी कैद कर लेगा और अपने घर में, अपने बेडरूम में रखेगा. सो दैट आई माइट कीप देम एंड वॉच देम ग्रो अप, और उनको रख कर देख सकूं कि वो कैसे बढ़ते हैं. विथ इन्फिनिट केयर, और वो हिफाजत के साथ, I move the mother and family into a matchbox and then hurried to the villa. और वो हिफाजत के साथ माँ और उसकी फैमिली को मैचबॉक्स यानी माचिस के बॉक्स में डालकर जल्दी से विला यानी अपने घर की तरफ भाग गया. It was rather unfortunate that just as I entered the door, ये इंतहाई बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट यानी बदकिस्मती, कि जैसे ही उसने दरवाजे से दाखिल हुआ, लंच शुड बी सर्व, तो खाना लग चुका था. हाउएवर मीन्स ताहम, आई प्लेस द मैच बॉक्स केयरफुली ऑन द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. उसने क्या किया, वो जो मैच बॉक्स था वो ड्राइंग रूम में हिफाजत से रख दिया. मेंटल पीस यानी वहाँ पर जहाँ पर आग लगाई जाती है उसके ऊपर रख दिया. एंड मेड माई वे टू द डाइनिंग रूम एंड ज्वाइन द फैमिली फॉर द मेल. और उसके बाद वो डाइनिंग रूम चला गया और खाने के लिए अपनी फैमिली को ज्वाइन कर लिया, खाना खाने के लिए अपनी फैमिली के साथ बैठ गया. Dawdling over my food, feeding Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing, I completely forgot about my exciting new capture. अब वो अपना खाना आहिस्ता आहिस्ता खाते हुए, रॉजर, यहाँ रॉजर है उसके डॉग का नाम है, कुत्ते का नाम है, कुत्ते को यानी रॉजर को मेज के नीचे चोरी छुपे उसको खाना खिला रहा था और अपनी फैमिली की बहस को सुन रहा था. और वो उस वक्त यानी मैं, आई कम्प्लीटली यानी मैं बिल्कुल भूल चुका था कि अपने नए हैरत अंगेज कैप्चर यानी कि कैदी रखे हुए हैं उसने. एट लास्ट, आखिरकार, लैरी हैविंग फिनिश, उसका खाना फिनिश हुआ, फेच द सिगरेट फ्रॉम द ड्राइंग रूम. उसने सिगरेट को लिया और ड्राइंग रूम से, और साथ साथ मैच बॉक्स भी था जाहिर है उसके साथ रखा हुआ, वो उसने उठाया. एंड लाइंग बैक इन हिज चेयर, और उसने चेयर पर टेक लगा ली. He put one in his mouth. उसने सिगरेट को मुंह में डाला. And picked up the matchbox he had brought. और जो matchbox उसने माचिस जैसे उठाई उसने, oblivious
आखिरकार दैट द एंड ऑफ माई हैप्पी डेज, और मेरी खुशी का आखिरी दिन था, वॉज अबाउट टू कम. आई वॉच माई एल्डेस्ट ब्रदर इंटरेस्टेडली एज स्टिल टॉकिंग लाउडली ही ओपन द मैच बॉक्स. मैंने देखा कि मेरा बड़ा भाई कौन सा था, लैरी, जोर से बात करते हुए, यानी किसी से बात कर रहा होगा, उसने मैच बॉक्स खोल लिया. अब मैच बॉक्स में तो आपको पता है बिच्छू मौजूद था, स्कॉर्पियन था, उसके बच्चे थे. अब उसने क्या किया, देखते हैं, आगे चलते हैं क्या हुआ. नाउ आई इंसिस्ट, अब मेरा इसरार था टू दिस डे कि इस दिन, दैट द फीमेल स्कॉर्पियन मीन टू नो हार्म. इस दिन मादा बिच्छू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि खुदा ना खास्ता वो अगर बिच्छू किसी को डंग मार दे दी तो वो जहर उसके जिस्म में फैल जाता. शी वॉज, अब उसे टेंशन हो गई थी, फिक्रमंद हो गया था कि अब ऐसा हो चुका है, अब क्या होगा. शी वॉज नर्वस. शी वॉज से क्या मुराद है, बिच्छू, ठीक है, मादा बिच्छू. नर्वस एंड अ लिटिल annoyed at being shut up in the box for so long, and so she seized the first opportunity to escape. वो घबराई हुई थी, कौन, बिच्छू, मादा बिच्छू, और थोड़ा गुस्सा थी क्योंकि काफ़ी देर तक, फॉर सो लॉन्ग यानी काफ़ी देर तक मैच बॉक्स में बंद कर दिया था. अब वो, और फिर वो भागने के लिए पहला मौका तलाश किया और उसने बॉक्स से अपने आप को बाहर निकाल लिया. अब आपको पता है उसके बच्चे भी इसके ऊपर चिपटे हुए हैं, ठीक है. शी पुल्ड हर सेल्फ आउट ऑफ द बॉक्स विद द ग्रेट रैपिडली. हर बेबीज क्लिंग ऑन डिस्परेटली एंड स्कटल्ड ऑन टू द बैक ऑफ लैरीज हैंड. अब क्या हुआ, वो अपने बच्चों के साथ, जो उसके बच्चे चुपटे हुए थे उसके, वो लैरी के हाथ के ऊपर, यानी उसे जंप की, उसके ऊपर चढ़ गई. दे आर नॉट क्वाइट सर्टेन वॉट टू डू नेक्स्ट. शी पॉज्ड हर स्टिंग कर्व अप एट द रेडी. लैरी फीलिंग द मूवमेंट ऑफ हर क्लॉज glance down to see what it was and from that moment thing got increasingly confused. अब वो लैरी के हाथ पे चढ़ गई, ठीक है. अब बिच्छू जो था, जो बिच्छू माता थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे. वो रुकी और उसने अपना स्टिंग अपना डंक बिल्कुल तैयार कर लिया. लैरी ने उसके क्लॉज पंजों को महसूस किया, क्लॉज यानी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है क्लॉज, यानी उसके पंजों को जब महसूस किया, कोई चीज़ आपकी बॉडी पे भी अगर मूव करेगी तो आपको महसूस होगा, ये तो बिच्छू था, उसे महसूस हुआ तो उसने अपना हाथ फौरन नीचे की तरफ किया और उसे ऐसा लगा जैसे उसने जैसे अपना हाथ झटका तो वो परेशान हो गए कि हर चीज़ जो है बिखरी हुई सी महसूस हुई. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जब उसके हाथ पे बिच्छू चढ़ा तो उसने अपना हाथ झटका तो जाहिर है उसके बच्चे भी उसके बॉडी पे से हट गए थे, आपको देख रहे होंगे, और वो सब चीज़ों के ऊपर चढ़ गए. एंड ओके ही अटर्ड a roar of fright that brought Roger out from the beneath the table. अब क्या हुआ, लैरी जो था, he uttered से मुराद ये है, he से मुराद है लैरी. लैरी ने एक खौफनाक आवाज़ निकाली, यानी जो जैसे कोई चिल्लाता है एकदम खौफजदा हो जाता है वैसी आवाज़ निकाली. रॉजर जो था वो टेबल के नीचे था, वो बाहर आ गया barking wildly और ज़ोर से चिल्लाने लगा, भौंकने लगा.
with a flick of his hand. He sent the unfortunate scorpion flying down the table, and she landed midway between Margot and Leslie, scattering babies like confetti as she thumped on the clothes. अब जैसे मैंने आपको बताया था, उसने अपना जैसे हाथ झटका, बदकिस्मती से बिच्छू उड़ती हुई मेज के नीचे चली गई और वो मार्गो और लेसी के दरमियान यानी मौजूद थी। तो उसी वक्त जो लेसी ने क्या किया, उस पर कपड़ा मारा तो उसके बच्चे जो है बिखर गए। उस स्कॉर्पियन पे जैसे ही कपड़ा मारा तो वो बच्चे भी बिखर गए। And with that, there was a rapid change from the piece to chaos. Truly enraged at the treatment, the creature sped towards Leslie, her sting quivering with emotion. और उसके साथ तेज़ी से अमन की जगह पर एक अफरा तफरी फैल गई। जब आपको पता है कोई इस तरह की कोई मखलूक हम देख लेते हैं तो हमारे घर में भी एक अफरा तफरी फैल जाती है। और ये बिच्छू जब देखा और उसके बच्चे देखे तो क्या हुआ, एक अफरा तफरी फैल गई। और इस सुलूक की वजह से लेस्ली भी, ये बिच्छू भी गुस्से में आ गए। लेस्ली लीप टू हिज फीट, overturning his chair. अब क्या हुआ कि वो उसको गुस्सा आया और वो लेस्ली की तरफ बढ़ी, क्योंकि लेस्ली ने उस पर कपड़ा मारा था, लेस्ली की तरफ बढ़ी और क्या हुआ, उसका डंग उस रवैये की वजह से लड़खड़ा आ रहा था। वो अपना डंग बिल्कुल तैयार रखा हुआ था कि उसको वो डंग मारेगा। और फिर लेस्ली अपने पाँव को छिड़कते हुए यानी हटाते हुए उछालने लगे अपने टांग को और फिर अपनी कुर्सी के को पीछे गिरा दिया, यानी वो यहाँ से डर के भाग जाए। एंड फ्लिंग आउट डिस्परेटली विथ हिज नैपकिन, और उसने अपने रुमाल यानी नैपकिन से उनको पीछे कर दिया, सेंडिंग द स्कॉर्पियन रोलिंग अक्रॉस द क्लोथ टूवर्ड्स मार्गो। अब वो कपड़े की वजह से पीछे हो गई लेकिन फिर वो मार्गो की तरफ चली गई, हु प्रॉम्प्टली लेट आउट अ स्क्रीम दैट एनी रेलवे इंजन वुड हैव बीन प्राउड टू प्रोड्यूस। और मार्गो की तरफ चली गई और मार्गो ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया जैसे कोई रेलवे इंजन की आवाज़ होती है। एक लुक आउट दे आर कमिंग स्क्रीम मार्गो, मार्गो चिल्लाते हुए बोला, वो देखो वो आ रहे हैं। ऑल वी नीड इज अ बुक रॉड लेस्ली, डोंट पैनिक, हिट देम विद अ बुक। लेस्ली चिल्लाती हुई बोली, हमें किताब की ज़रूरत है, डोंट पैनिक यानी घबराओ नहीं, इन्हें किताब से मार दो। मदर कंप्लीटली बिवलर्ड बाय दिस सडन एंड रैपिड चेंज फ्रॉम पीस टू चॉस, पुट ऑन हर ग्लासेस एंड पीर डाउन द टेबल टू सी व्हाट वाज कॉजिंग द पैंडेमोनियम एंड At that moment, Margo, in a vance attempt to stop the scorpion's advance, hurled a glass of water at it. अब वो हालात मुकम्मल तौर पर अफरी तफरी की वजह से अचानक बदल गए थे। मदर जो
राइटर की मदर हैं, वो देखना चाह रही थी। उन्होंने अपना चश्मा पहना और मैं इसके नीचे झुक गई, देखने लगी कि इस हंगामे की वजह क्या है। उसी समय मार्गो ने बिच्छू को रोकने के लिए पानी का गिलास नीचे फेंका। द शावर ऑफ वाटर मेस द एनिमल कंप्लीटली बट सक्सेसफुली ड्रेंच्ड। मदर हु नॉट बीइंग एबल टू स्टैंड कोल्ड वाटर प्रॉम्प्टली लॉस्ट हर ब्रेथ एंड सैट गैस्पिंग एट द एंड ऑफ द टेबल अनएबल टू प्रोटेस्ट इवन। अब क्या हुआ कि उसने जो पानी का ग्लास फेंका था वो पानी ठंडा था, उसके अंदर पानी मौजूद था और वो पानी ठंडा था और उस मादा बिच्छू को भिगो दिया उस पानी से, और उस ठंडा पानी होने की वजह से मादा उठने के काबिल नहीं रही, नॉट बीइंग एबल के काबिल नहीं रही, और मुकम्मल तौर पर उसने अपनी सांसें खो दी। प्रॉम्प्टली लॉस्ट हर ब्रेथ और अपनी सांसें खो दी और मेज के सिरे पर जाकर बैठ गई और इस काबिल भी नहीं रही कि वो किसी किस्म का किसी से एहतजाज कर सके, प्रोटेस्ट यानी एहतजाज कर सके। पेंडिमोनियम यानी हंगामा। गेट अ नाइफ हिट देम विद द बुक शाउटेड लैरी। छुरी लेकर आओ और उसको किताब से मारो, लैरी ने चिल्लाते हुए कहा। That boy will kill the lot of us. ये लड़का हम सब को मार देगा। But look at the table, knee deep in scorpions kill them. मेज की तरफ देखो, बिच्छुओं की तरफ गौर से देखो और इनको मार दो। Oh no, don't hurt them. इनको नुकसान मत पहुंचाओ। I'll catch them. मैं इनको पकड़ लूँगा। ये बात किसने बोली थी? I का जिक्र है तो किसने बोली है? राइटर ने, ठीक है। I pleaded until eventually backed up by mother. अब लेस्ली मशवरा देती रही अपनी मदर को कि इनको मार दिया जाए। लेस्ली सजेशन That the whole lot be killed was इसको वो जब तक सजेशन देती रही कि बस इनको मार दो, किसी तरीके से इनसे जान छुड़ा लो, क्योंकि हर इस तरह की मखलूक होती है, इससे हम भी घबराते हैं, डर लगता है, तो हम भी घर में ऐसे ही शोर करते हैं और कुछ तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। इस तरह लेस्ली भी मशवरा दिए जा रही थी अपनी मदर को कि इसको हम अब बस मार दें, इनको इनसे जान छुड़ाएँ। लेकिन जो राइटर है वो नहीं चाहता था कि इसको हम मारें और मैं इनको पकड़ लूँगा। बाय द टाइम अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्डर हैड बीन रिस्टोर ऑल द बेबी स्कॉर्पियन हैड हाइडन देमसेल्व्स अंडर वेरियस प्लेट्स एंड बिट्स ऑफ कटलरी। जब उनका नज़्म व ज़ब्त कायम हो गया तो तमाम बिच्छू के बच्चे छुप गए, यानी जिस तरह वो चिल्ला रहे थे, शोर कर रहे थे, जब वो सब खामोशी हो गई तो स्कॉर्पियन के बच्चे इस दौरान जो हैं वो छुप गए। कहाँ छुपे? प्लेट्स में और बिट्स ऑफ कटलरी यानी छुरी काटों में। द रिजल्ट ऑफ दिस इंसिडेंट वर न्यूमेरियस। इस हादसे के नतीजे में मुख्तलिफ किस्म के नतीजे सामने आए। वाइल द फैमिली, यहाँ तक कि उसकी फैमिली स्टिल फीलिंग एंग्री, वो बहुत गुस्सा हो रहे थे एंड फ्राइटेंड और डरे हुए भी थे। मूव टू सिटिंग रूम, और वो सिटिंग रूम में सब जाके बैठ गए। आई स्पेंड हाफ एन आवर राउंडिंग अप द बेबीज पिकिंग देम अप इन अ टीस्पून एंड रिटर्निंग देम टू देयर मदर्स बैग। राइटर ने उनसे आधा घंटा लगाया और ढूंढने में उनको, किसको? उनके बच्चों को, बिच्छू के बच्चों को ढूंढने में आधा घंटा लगाया। उनको एक चम्मच के जरिए उनको पकड़ा और मादा के
पुश्त पर बिठा दिया जो कि टेबल के सिरे पर बैठी हुई थी. देन आई कैरीड देम आउटसाइड ऑन अ सॉसर एंड रिलंटेंटली रिलीज देम ऑन द गार्डन वॉल. और उसके बाद उसको यानी बिच्छू माता बिच्छू को सॉसर के जरिए उठाकर बाहर ले गया. सॉसर कहलाते जिस तरह आप कप के अंदर छोटी सी प्लेट होती है उसके ऊपर कप रखते हैं उसे सॉसर कहते हैं. उसको ले गया बाहर ले गया और गार्डन वॉल में छोड़ दिया. रॉजर एंड आई वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड. अब रॉजर और मैं यानी राइटर ने दोपहर तक हिल साइड यानी पहाड़ी पर वक्त गुजारा. फॉर आई फेल्ट इट वुड बी वाइज टू अलाउ द फैमिली टू हैव अ ब्रेक बिफोर सीइंग देम अगेन. अब वो ये महसूस हो रहा था उसको कि यह अकलमंदी होगी कि फैमिली उसको इजाज़त मिल जाए दोबारा इस काम की और वो कुछ वक्त गुजारे ताकि उनको वो दोबारा वो देख सके दोबारा जाकर कि वो स्कॉर्पियन सही हैं खुश हैं. लैरी डेवलप अ फोबिया अबाउट मैच बॉक्स. अब लैरी को उस माचिस की डिबिया से क्या वो फोबिया यानी डर हो गया. अब वो जब भी माचिस की डिबिया को देखे तो उसके दिमाग में यही गूंजता था कि वो उसके अंदर एक स्कॉर्पियन यानी बिच्छू होगा. बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से द वर्स्ट रिपरकशन रिपरक्यूशन ऑफ द होल अफेयर वॉज दैट मदर डिसाइडेड टू ट्राई टू स्टॉप मी फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द एनिमल वर्ल्ड. अब वो क्या कह रहा है कि लेकिन मेरी नज़र से बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन मेरी नुक्ते नज़र से इस मामले का जो बुरा नतीजा निकला कि माँ ने फैसला किया कि मुझे वो रोकने की कोशिश करेंगे और जानवरों की दुनिया को जानना बंद कर देंगे. यू आर रनिंग वाइल्ड अगेन. तुम फिर से जंगली होते जा रहे हो. इट इज़ हाई टाइम यू रिसीव अ लिटिल मोर एजुकेशन. ये वक्त है कि तुम्हें थोड़ा सा ज़्यादा तालीम याफ्ता कर दिया जाए. शी सेड यानी उनकी मदर बोल रही हैं उन्होंने कहा आई एम गेटिंग यू आर ट्यूटर. अब मैं उनकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें यानी राइटर की माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कोई ट्यूटर यानी टीचर लगवा दूँ ताकि तुम आगे एजुकेशन कर सको उसको पढ़ सको आगे स्टार्ट कर सको. ओके क्लास ये चैप्टर डन हो गया है. आई होप आपके समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर की वर्किंग कुछ दिनों में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जो कि आपके पेरेंट्स स्कूल से आके कलेक्ट कर लेंगे. शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.